अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे व्यूज़, प्यारे यूट्यूब के लवर, यूट्यूब को चाहने वाले, यूट्यूब से मोहब्बत करने वाले, आज हम आपको अलशफा अलताइफ में से जो अलशफा का एरिया है वो दिखाएंगे। ये देखें, रमदमा है अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह का वक़्त और दोस्तों के साथ ये मनाजर ताइफ में अलशफा के एरिया के शफा पार्क, बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा एरिया है, सेम टू मरी की तरह है, कगान नरान वादी की तरह, और मौसम भी मुतदिल, हैरान करने वाला, ठंडा मौसम इंजॉय करने वाला। सुबह नाश्ते के बाद निकले हैं कि देखें कि भाई, और कुछ ज़ियारतें करने के बाद इंशाल्लाह दोबारा फिर ज़ियारतों की जगह पे जाएंगे, उसमें भी कुछ इंशाल्लाह ऐड करेंगे। ये मनाजर आपकी नज़र के लिए, आपको दिलकश, दिल को अबा करने के लिए, दिल को खुश करने के लिए काफ़ी उम्दा होंगे इंशाल्लाह। जो भी दोस्त अगर टाइम है तो ताइफ का चक्कर ज़रूर लगाया करें। ताइफ आपको एक दिलकश मनाजर दे के दिल को तमन्ना देने के, यानी ये नहीं कह सकते कि ना सऊदीया में गर्मी है, गर्म इलाके हैं, ये है, ये ठंडा इलाका है। ये सामने रोड देखे कितना प्यारा, ये देखिए ऐसे पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए जैसे सीढ़ी है, माशाल्लाह सीढ़ियों के नुमा देखिए कितना प्यारा है। ये पहाड़ को कट करके बनाया गया रोड, गाड़ी जोर लगाने वाली हो तो उसको क्या टेंशन है। ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारे तारक भाई जो गाड़ी को फुल एक्सीलेटर देते हुए चढ़ाई पर ऊपर लेके जा रहे हैं। ये समुद्र की हाइट से हम तकरीबन 54,000 फीट पे हैं, फ्लाइट कर रहे हैं। ये पहाड़ देखे कितनी ऊंचाई पे है, गियर चेंज कर ले तारक भाई। ज्यादातर ये गाड़ियां इधर जिनके आती गियर है ना वो ही आती हैं, मैनुअल गियर वाली आती हैं, ऑटोमेटिक गियर वाली जो है ना वो बहुत कम चढ़ाई पे चढ़ती है, चढ़ तो जाती है लेकिन ये पावर वाली 8 सिलेंडर हो गई, 6 सिलेंडर, फिर 4 सिलेंडर उसकी बांके निकल जाती हैं। ये अलखमीस वादी अलशफा एक नज़ारे सुबह चढ़ाई के उतरते वक्त एक डोगी भी देखे आप साथ में, छोटा डोगी बांदर मारने हैं। हाँ, लो तारक भाई कह रहे हैं कि बांदरों की भी कसरत है इधर, आपको बांदरों का भी नजारा दिखाया जाएगा। माशाल्लाह आज ये बांदर चढ़ाई है, एक और चढ़ाई उसके भी ऊपर हम जा रहे हैं, ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। 50,000 फुट की एक दफा पहले हम आ चुके हैं इधर,
तो लेकिन उस दिन हम थोड़ा सेकंड टाइम आए थे रात के टाइम, अभी सोचा क्यों ना सुबह का नज़ारा लिया जाए, क्योंकि धूप में एक तो वीडियो भी अच्छी बनती है, एक तो लाइटिंग और यानी मनाजर देखने को ज़्यादा अच्छे लगेंगे। उस टाइम उस दिन भी गहमा गहमी तो थी लेकिन कम थी, रात को आए थे तो इसलिए हमें थोड़ा कम नज़र आया था एरिया, वीडियो बनाने में भी कम बनाए थे। पिछली दफ़ा हम आए थे 2017 में, देखे आप बाजवा साहब की याद आ रही है। चलो जो काफी तादाद में अच्छे ही क्वालिटी के साथ रेंट के साथ है। ये zigzag लेते हुए ये देखिए अभी हम पहाड़ों के बिल्कुल बराबर हो रहे हैं। जितना हम ऊपर चढ़ाई पे जाएंगे ये देखिए काई है, ये काई देखिए ये देखो, कुछ पहाड़ तो हमसे नीचे हो गए हैं, बच्चों की तरह लगने लगे हैं, कुछ पहाड़ों के बिल्कुल बराबर हो गए हैं, अभी फिर भी ऊपर जा रहे हैं। ये देखे इधर नजारा दिलकश है, ये पहाड़ों को देखने के लिए सामने बिल्डिंग है। ये तारक भाई के किसी दोस्त की अच्छी बिल्डिंग है काफी, लेकिन हम इसका नज़ारा अंदर जाके व्यूज नहीं आपको दिखा सकेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, इसका इधर हम जाना जो है ना मुनासिब नहीं समझ रहे। ये यहाँ आपको आलू बहारा बादाम के भी दरख्त है, हर किस्म का दरख्त है, आलू बहारा अनार आड़ू ये सब आपको दरख्त मिलेंगे। ये छोटी छोटी पार्किंग बैठने सीटिंग एरिया, जो ही आप चढ़ाई पे जाएंगे तो आपको सीटिंग एरिया कुछ बिल्ले मिलेंगे छोटे छोटे जहाँ पे रहायशे हैं। ये देखिए छोटी मस्जिद के साथ, ये अपना ही मंजर पेश कर रहे हैं, अपना ही नज़ारा है इनका। ये एक मिसाइल के साथ घर बना हुआ है, ये पता नहीं कब मिसाइल चल रहे हैं। टैंकी बनाई हुई है और शक्ल मिसाइल की बना के। अच्छा तो सारे टैंकियां जब ये मुझे शुरू में ये हर बिल्डिंग वाले मिसाइल लाए हैं। अच्छा होते आज मैं तेरा पूछया ना टैंकियां दिखाना छोटी-छोटी छोटे छोटे काले काफी कोका जिसको कहते हैं काफी नमाज रहा है पहले तो गेम का बहुत ही साफ है जी बड़ी गेम का बड़ी रण। ये डलवार लेते हुए फिर अभी नीचे को अल्लाह खैर करे कलमा बना लिया हमने ला इलाही रोड दे बिना हो थले तक जांदी तो फिर पहाड़ पहाड़ है करके सीधे। ये देख सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह कुदरत के नज़ारे। इस ताइफ के बहुत खूबसूरत मनाजर, ये छोटी छोटी दुकान शॉप जो काफ़ी फ्रूट वगैरह के लिए बर्गर
ताकि रास्ते में आने जाने वालों को दिक्कत ना खाने पीने की। ये चप्पड़ कबाब देखे, ये चप्पल बरशुमी है, बरशुमी कुआरगंदर नहीं नहीं, ये बरशुमी है, एक आंदे ने ये दोस्क दा फल है, अल्लाह ते ये बड़ी मजेदार हुंदी है, इधर बहाना ना लगी किते हुन सीजन आउट हो गया, बड़ी बरशुमी जी अल गजाल में मौजूद है, इन फल अंदर बरशुमी ये थोड़े से शो जो लोग आ नहीं सकते ना तो उनके लिए ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद तौफ का एक वीडियो और अपलोड करेंगे इसके साथ ही, तो मुकम्मल नज़ारा तौफ का मिलेगा आपको। कुछ ज़ियारतें भी इसमें ऐड करेंगे जो आप देख सकेंगे, और चैनल को हम बार बार कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो जो है ना आसानी से मिल सके, और बहुत ही मालूमती वीडियो होती है इसमें, ये आदमी को ऐसे लगता है जैसे हम उसी वादी पे घूम रहे हैं। ख़ास तौर पर जो रात का समय होता है ना, रात को 11-12 बजे आदमी लगा के देखे ना तो नींद अच्छी आ जाती है। टावर नजर आ रहा है वो, ये टावर के पास तारक में बोल रहे जाने के, ये आपको घर सेम मरी वाले माशाल्लाह, ये टावर देखे, ओ टावर लगाओ पहाड़ी के ऊपर, वादी ज़ीक तरीक शफा, जो दोस्त इस ताइफ को छोड़ चुके हैं वो उनके लिए भी उनके यादों को ताज़ा करने के लिए वो देख सकते हैं, उनके जो ही वो यादें ताज़ा होती है दिल को और अच्छा लगता है कि कभी मैं भी गया था इधर, कभी मैं भी ये नज़ारे देखे थे। बुढ़ापे का वक़्त अच्छा गुजर जाता है बार बार देखने से, बच्चों को आदमी थोड़ा बहुत अपने बच्चों को गाइड कर सकता है कि वहाँ मैं गया था मस्जिद में देखी थी, मस्जिद में इस मस्जिद में नमाज पढ़ी थी, ये देखे मस्जिद पास फर्स्ट गियर लगा दिया, सेकंड गियर में चल रही है, बस इधर निकल आया उम्रे आए ने कोई तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह नहीं नाश्ता कर लिया आज उन्होंने नाल मेहमानों दे, जरा अजकल बाहर निकले हैं मैं कबूतरां दाना छिड़ा पाना है
ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਨਾ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੇ ਰਾਤ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਫਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ इसका नजारा थे लेकर है पक्की पहाड़ के ऊपर सुभान अल्लाह चढ़ेगी ये चढ़ाई अभी तो हम मेरा हाल है 60,000 feet के ऊपर चले गए हैं कोई शक नहीं अलदायरी ਸਾਰੇ ਫਿਲਰ ਸੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਐਂਗੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਇਹ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਲਾ ਗਏ ਇਹ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਉਂਝ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਥੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਫਾ ਦਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਉਤੋਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਥੋਂ ਆ ਗਏ गैर पार्लीमानी रिवाज नहीं आंदे जाने तो भोले भोले अब हम अल शफा पार्क में दाखिल हो चुके हैं ये आप देख सकते हैं इनके मरजान और शफा सोने फ्रूट लुड़ाए ने अबे वाह इतना ये अमेरिकी स्टाइल फ्रूट शकरकंदी फ्रूट ओ ये तक ही पे आया शकरकंदी फ्रूट जमजम दा दा पानी है गुलाब दा बराब का अरक अरक गुलाब का शकरकंदी ये कबाब लाने ने शकरकंदी भुन के बेचनी है चाय अच्छा अच्छा अब अंदर वहां पर आया जी लो जी जिसका हम आपको जिक्र कर रहे थे आगे जी बंदर आगे का और वो देखे बंदर और भी है ये देखे शेर उतर के बना ला है ओ बचाओ ते बाल ओ माशाल्लाह ये तो नजारा देखने वाले हैं वो देखे वाह वाह जी वाह ये अल शफा में बंदरों की पूरी रौनक है ये देखे वाह वाह जी वाह इन्होंने तो कब्जा किया हुआ है वो खींच के लेके जा रहे हैं फ्रूट की है जहाँ आपको दिखाई ना दुकान वहां से खींच के लेके जा रहे हैं वो देखे वाह जी वाह ये बंदरों के बच्चे देखे वाह ये नज़ारे उम्मीद तो नहीं थी मुझे मैं तो समझता था कि इंडिया में ये ऐसे नज़ारे हैं लेकिन ये तो कुवैत सऊदीया अल शफा में माशाल्लाह जी बंदरों की तो पूरी रौनक है ये देखे दो इधर बैठे हुए वाह बांदर बिल्ले रौनक लगी हुई है इनकी भाई ये रहश है काम वाले आदमी ये अलशफा मरजान अलशफा ये इमानत भाई और वो है हमारी गाड़ी चलो बैठो सर बैठो ये
ये शफा अल तारक भाई।